जिस पल का इंतजार था भूतपूर्व सैनिकों को, उस पल का इंतजार हुआ खत्म। वन रैंक वन पेंशन में क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग किसका कितना बन रहा है, चाहे ग्रुप एक्स से हो या ग्रुप वाई से हो, चाहे सिपाही से ऑनरी नायक और सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक, सारा कुछ इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। कैसे कैसे आपकी बढ़ोतरी हुई है रैंक में, क्या फॉर्मूला यूज किया गया है, ओआरओपी 3 के ऊपर आज बहुत ही बड़ी अपडेट आपको देना है। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी 3 का रिवीजन 1/7/2024 से शुरू है सभी पेंशन धारक या पेंशन भोगी ध्यान देंगे। बहुत ही लेटेस्ट न्यूज निकल के आ गई है, ये आप लोग को बता दें जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ है हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के, हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है, जो हमारे एक्सरिसमैन है, जो हमारे पूर्व जवान जितने भी देख रहे हैं, जितने भी वेटरन्स है, सभी आप लोग को बता दें कि ओआरओपी 3 में मिनिमम और मैक्सिमम के साथ प्री 2006 और पोस्ट 2006 को कितना बेनिफिट होने वाला है हर रैंक का, आप लोग देख सकते हैं। क्वालिफाइंग सर्विस है, आप लोग जिस भी रैंक से हो और जिस भी बैंक से पेंशन लेते हो या स्पर्श पेंशनर हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटी सी अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। नीचे देखिए, जल्दी से नीचे देखिए, सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से दबा लीजिए ताकि आपको आगे भी वन रैंक वन पेंशन की न्यूज आपके फोन पे आपको देखने को हमेशा मिलता रहे। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, बेस ईयर आप लोग का 2023 लिया गया है, आप लोग समझ गए, बेस ईयर 2023 है। फिटमेंट फैक्टर 2.57 ओआरओपी 2 में था, ओआरओपी 3 में 90% टेबल तैयार हो चुका है, 90% ओआरओपी 3 का टेबल तैयार हो चुका है। एमओडी के तरफ से जीत मिल चुकी है भूतपूर्व सैनिकों को, संसद से भी जीत मिल चुकी है भूतपूर्व सैनिकों को। इंतजार है पेंशन धारक व पेंशन भोगी को, उनका एरियर, उनका टेबल आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। अनुमानित टेबल काफी घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे और काफी भूतपूर्व सैनिकों को ये भी डाउट है कि क्या रैंक वाइज हर एक का फायदा है। जी हाँ, हर रैंक का एक जरूर फायदा है। ओआरओपी 2 में कुछ बस जेसीओ साहिबन का फायदा था, लेकिन ओआरओपी 3 में हर रैंक, आप जिस भी रैंक से हो, जिस भी बैंक से पेंशन लेते हो, हर एक रैंक का अच्छा खासा बेनिफिट है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए, तैयार रहिए, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हमेशा ऐसी न्यूज मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।